एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर के घमासान बढ़ता जा रहा है। एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा जहां दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात करेंगे, तो इधर रामविलास पासवान जो कि एलजेपी के सुप्रीमो है और केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनसे प्रशांत किशोर जो कि जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चुनावी रणनीतिकार भी हैं, उन्होंने मुलाकात की है। ये मुलाकात तकरीबन 35 से 40 मिनट तक चली है। इस मुलाकात में माना जा रहा है कि बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर के कुछ अहम बातचीत हुई है। इसके साथ भी उपेंद्र कुशवाहा का मुद्दा भी इस मुलाकात में उठा है। खबर ये भी है कि छठ के बाद चिराग पासवान से भी प्रशांत किशोर मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली में नीतीश कुमार ने अमित शाह से मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे थे। दरअसल उस समय एम्स में अपने इलाज कराने को लेकर के नीतीश कुमार दिल्ली में थे, उसी दौरान उनकी मुलाकात अमित शाह से हुई, जिसके बाद उसी दिन शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। अमित शाह और नीतीश कुमार कंबाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, दोनों मीडिया के सामने आते हैं और अमित शाह इस बात का ऐलान करते हैं कि बिहार में बराबर बराबर सीटों पर बीजेपी और जदयू चुनावी मैदान में उतरेगा। उसी दिन से ये घमासान शुरू हुआ। उधर नीतीश कुमार और अमित शाह की मुलाकात चल रही थी, उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और इधर उपेंद्र कुशवाहा तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई थी। कई कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन उन तमाम कयासों को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी एनडीए के साथ रहना है, लेकिन सम्मानजनक समझौता जरूरी है। आपको बता दें कि माधव आनंद हैं, आरएलएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी मीडिया से बातचीत में साफ कर दिया था कि जदयू से कहीं ज्यादा आरएलएसपी का जनाधार बढ़ा है। आरएलएसपी को जितनी सीटें मिलनी चाहिए उससे ज्यादा की जरूरत है, लोगों की उम्मीदों को पूरा करना है, और बिहार में आरएलएसपी का जनाधार पहले से काफी बढ़ चुका है, इसलिए उन्हें भी 3 से नीचे समझौता मंजूर नहीं है। आज उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में होंगे, अमित शाह से मुलाकात होने की उम्मीद है, क्या कुछ होता है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा के दिल्ली जाने से पहले एलजेपी सुप्रीमो रामविलास पासवान से जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद बिहार की सियासत गर्म है। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में कई मामलों पर बातचीत हुई है, कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। फिलहाल जिधर बीजेपी और जदयू बिहार में बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है, एलजेपी ने भी पहले कह दिया था कि सम्मानजनक समझौता चाहिए, उनका भी जनाधार बढ़ा है। इधर लगातार आरएलएसपी की ओर से सीटों को लेकर के दबाव एनडीए पर बनाया जा रहा है। हम आपको बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार अपडेट रख रहे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें।